हेलो तो दोस्तों, क्या हाल है सब के गाइस। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है रेसलिंग एम्पायर के एक न्यू गेम प्ले में, जहां पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स टूर्नामेंट सीरीज को। एंड गाइस, लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने जैसा देखा कि पॉल हेमन ने मेरे रोस्टर के कुछ रेसलर्स के साथ मिलकर मेरी ऐसी हालत कर दी, और पॉल हेमन के इस बात को लेकर मैं उसे कभी माफ नहीं करने वाला। खैर गाइस, हम पॉल हेमन से तो बदला लेंगे, बट आज का जो मेन टारगेट है वो है एक एस्केप टू विक्ट्री मैच, बिकॉज आज टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले है, जहां पे हमें अपना फर्स्ट सब्सक्राइबर चैंपियन मिलेगा। तो आज पॉल हेमन को लेके मैं अपना दिमाग खराब नहीं करने वाला है, बल्कि सबसे ज्यादा फोकस अभी उस मैच के ऊपर करूंगा। तो देखते हैं कि कौन बनता है फर्स्ट सब्सक्राइबर चैंपियन। लेट्स गो भाई। आज तो पूरे टाइम भाई मुझे इस व्हील चेयर के ऊपर ही बैठा रहना पड़ेगा, और इस कारण से भाई मैं उस मैच के अंदर कोई चीटिंग भी नहीं कर पाऊंगा। सो गाइज, टूटी टांग वाला जनरल मैनेजर आ चुका है आज का सब्सक्राइबर टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले करवाने के लिए, और जिसने मेरी ये हालत की है यानी कि पॉल हेमन ने, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बहुत बुरा पिलेगा भाई। एक बारी मुझे स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग में आने दे तू, एक बार ये सब्सक्राइबर टूर्नामेंट निपटा दूँ मैं, उसके बाद में मैं MDK से बात करके भाई सीधा स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग में आऊंगा। बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें पता नहीं है कि MDK कौन है, तो भाई उन्होंने इस गेम को बनवाया है, अगर उनसे बात करूंगा ना मैं, तो जरूर से वो मुझे स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग में भेज देंगे। खैर, अभी इस मैच के ऊपर गौर करते हैं, और स्ट्रॉन्ग स्टाइल रेसलिंग में जाने की बाद में सोचेंगे, आज के ग्रैंड फिनाले के ऊपर गौर करते हैं गाइस। उसके लिए पहले मैं इस कोने में आ जाता हूं, बिकॉज आज मैं मस्त सी कॉमेंट्री के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरी टांगों ने जवाब दे रखा है यहाँ पे। सो लेट्स गो, देखते हैं कि कौन होने वाला है फर्स्ट रेसलर जो आएगा इस स्टील केज मैच में। अरे पहले मैं सेट हो जाऊं प्लीज, अबे सही से लग जा भाई, व्हील चेयर घुमा ही नहीं पा रहा मैं ढंग से। अरे पूरी घूम जा रही है, देख ले भाई। ओके ठीक है, लेट्स गो फाइनली। ओके ठीक है, अभी सही जगह पे आ चुका हूं मैं। फोर बैटल रॉयल्स, फोर विनर्स, एंड गाइस फाइनली आज होने वाला है एस्केप टू विक्ट्री मैच फोर की सब्सक्राइबर्स चैंपियनशिप बेल्ट भाई। एंड सबसे पहले रिंग की तरफ आते हुए रैंडी ओटन 444, और मुझे नहीं पता गाइस आज का जो विनर कौन होने वाला है। खैर, उससे पहले रैंडी ओटन 444 रिंग में आ जाए, उसके बाद में इस मैच की शुरुआत करें हम। अरे भाई नाच क्यों रहा है, रिंग में आ जा। लो आई डोंट नो भाई, रैंडी ओटन 444 कुछ ज्यादा टाइम लगा के रिंग में आया, और रिंग में आया भाई साहब, वाह क्या सुपर हीरो लैंडिंग थी इसकी। नेक्स्ट सुपर स्टार भी गाइस रिंग की तरफ आ चुके हैं, जिनका नाम है किंग कोफी, और ये जो है थर्ड बैटल रॉयल के विनर थे, एंड जो रैंडी ओटन 444 थे वो थे फोर्थ बैटल रॉयल के विनर। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तू देखता रहे और रिंग में ना आए, इसलिए मैंने तेरे को स्किप कर दिया। एंड बाय द वे गाइस, अभी आते हुए रिंग की तरफ ट्राइबल चीफ, जो कि अपने फर्स्ट बैटल रॉयल के विनर थे और जिनको मैंने चीटिंग करके जिताया था, मैं भी जहाँ तक मुझे याद है, खैर जो भी है वो भी एक विनर है, और उन्होंने भाई पहले ही अपने सब्सक्राइबर चैंपियनशिप बेल्ट को ले लिया। मुझे नहीं पता भाई उनको चैंपियनशिप बेल्ट से इतना प्यार क्यों है, बिकॉज मैं जब भी रोमिंग में जाता था तभी भी इनके पास कोई ना कोई चैंपियनशिप बेल्ट रहती थी, पता नहीं किसकी चुरा के लाते थे ये। खैर लास्ट सुपरस्टार भी आ चुके हैं रिंग की तरफ गाइस, जिनका नाम है अमित भाई, एंड अभी शुरू होगा गाइस अपना एस्केप टू विक्ट्री मैच, जिसके अंदर जो पहले बाहर निकलेगा वो होगा अपना सब्सक्राइबर चैंपियन, और वो होगा फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर चैंपियन। खैर गाइस, यहाँ पे मैच की शुरुआत में एक सनसेट फ्लिप किंग कोफी की तरफ से क्लोज लाइन मारने की कोशिश की। एंड बाय द वे गाइस, एक बात एक और बता दूं, इन रोप्स के अंदर जो है, इसके अंदर बम्स ही बम्स लगे, तो इनसे टकराएगा ना कोई सुपरस्टार तो वो फूटेगी। एंड बाय द वे, यहाँ पे किंग कोफी सबसे पहले निकलने की तैयारी में थे, बट उन्होंने रोक लिया, और एक सुप्लेक्स वापस से रैंडी ओटन 444 का। बाय द वे गाइस, अभी मैं बाहर ही बैठा हूँ ये रहा व्हील चेयर के ऊपर, भाई मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ से व्हील चेयर से उठ के। खैर यहाँ पे चारों सुपरस्टार अपना पूरा जोश दिखा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से टूटे पड़े। अमित भाई ने अभी रैंडी ओटन 444 को लेक लोक में डाल रखा है, बट यहाँ पे भाई सबमिशन होल्ड वाले मूव क्यों ही कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पे भाई केज से बाहर निकलना है ना कि भाई सबमिशन होल्ड से सबमिट करवाना है। यहाँ पे भाई किंग कोफी सेकंड टाइम ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया भाई, मुझे लगा वो पूरा चढ़ेंगे, बट वो पूरा ऊपर नहीं चढ़े, वापस से आके उन्होंने ट्राइबल चीफ की टांग पकड़ ली, और एक ड्रॉप किक बाय द रैंडी ओटन गाइस। यहाँ पे कोई भी सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार के ऊपर भाई पूरी तरीके से हावी है। यहाँ पे एक स्पेयर मारा था किंग कोफी ने, लेकिन वापस से ट्राइबल चीफ ने उसको एक हेट लोक में बदल दिया।
ओके भाई, सबमिशन होल्ड वाले मूव्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पे। एक बहुत ही बढ़िया सनसेट फ्लिप, वापस से किंग कॉफी की एक बेग सुप्लेक्स बाय द रेंडी ओटन, और यहाँ पे किंग कॉफी वापस से ऊपर चढ़ने की ट्राई में है, लेकिन यहाँ पे रेंडी ओटन का एक बहुत ही बढ़िया क्लोज लाइन जो कि बोर्ड से कनेक्ट हुआ है। इस तरफ अमित भाई भी ऊपर चढ़ने की तैयारी में है, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से नहीं भाई, इतनी आसानी से तो कोई भी नहीं चढ़ने देगा भाई। यहाँ पे ट्राइबल चीफ ने उनको रोक लिया था, और एक सुपर किक वापस से किंग कॉफी की तरफ से भाई, यहाँ पे सुपर किक मारते हुए रुक नहीं रहे वो भाई। यहाँ पे अगर ग्लिच से बाहर निकले ना, बहुत बुरा हो जाएगा इनके साथ, बिकॉज यहाँ पे अमित भाई उस पोजीशन में थे जहाँ पे ग्लिच होके गेम से बाहर निकल सकते थे। खैर यहाँ पे तो अमित भाई को भाई झूठ दिया है, पूरा का पूरा खून वो निकाल दिया है यहाँ से मुंह से अमित भाई के से, और एक सुप्लेक्स किंग कॉफी का। अमित भाई ऊपर चढ़ने की तैयारी में, लेकिन नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं भाई, इतनी आसानी से तो नहीं चढ़ने देंगे। ओके, वापस से सबमिशन होल्ड में डाला है अमित भाई ने, वापस से उसका रिवर्स किया है, बट उस साइड रेंडी ओटन ऊपर चढ़ने वाले हैं। ट्राइबल चीफ की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है भाई, उनको रोकने के लिए कोई नहीं जा रहा है। मे भी यहाँ पे रेंडी ओटन चढ़ जाएंगे ऊपर, मुझे नहीं, ओके नहीं चढ़ पाया, अभी तक तो नहीं चढ़ पाया भाई। मुझे लग रहा है ट्राइबल चीफ जो है ना इंजर्ड हो चुके हैं, और यहाँ पे क्या ही किस्मत थी भाई, यहाँ पे चढ़ गए थे ऑलमोस्ट रेंडी ओटन, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल चीफ बिल्कुल भाई धीरे हिलते हिलते से जा रहे थे उनके पास, इसलिए कम ऑन भाई, यहाँ पे एक्सप्लोडिंग बार्ब्ड वायर के कारण और ज्यादा इंजर्ड हो रहे थे ऊपर से। और यहाँ पे किंग कॉफी वापस से चढ़ने की तैयारी में, चढ़ जाएंगे मैं भी, यस, यहाँ पे किंग कॉफी इतनी आसानी से चढ़ गए, कम व्हाट भाई ये क्या, यहाँ पे किंग कॉफी चढ़ गए थे बट वो नीचे क्यों, वाई वाई ये क्या था, लो भाई किंग कॉफी पूरा ऊपर चढ़ गए थे, नीचे क्यों उतरे वो समझ गया है मेरे को, मुझे लगा इतनी आसानी से सब्सक्राइबर चैंपियन बन जाएंगे ये, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके अभी अमित भाई चढ़ रहे हैं ऊपर, मे बी वो जीत जाए, नहीं इतनी आसानी से नहीं भाई, इतनी अच्छी किस्मत किसी की नहीं है भाई, किंग कॉफी की इतनी बढ़िया किस्मत थी, वो इतनी आसानी से ऊपर चढ़ गए थे बट पता नहीं वो नीचे क्यों उतरे वापस से। ओके बहुत ही बढ़िया फेस बस्टर किंग कॉफी का, शायद से किंग कॉफी भाई थके नहीं है, वो थोड़ा और पेलना चाहते हैं इन लोगों को, इसलिए शायद से वो नीचे उतरे हैं, और अभी वो ऊपर चढ़ रहे हैं, मे बी इस बार नहीं अभी तो किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, अभी कम से कम 3 से 4 बार ट्राई करेंगे तो मे भी फिर जाके वो ऊपर चढ़ पाए। रेंडी ओटन भाई की भी हेल्थ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, अमित भाई की ठीक ठाक बची हुई है अभी हेल्थ, एंड द थर्ड वन जो कि अपने किंग कॉफी है उनकी सबसे ज्यादा हेल्थ यहाँ पे बची हुई है गाइस, और ये वापस से ऊपर चढ़ के बाहर निकलना चाहते हैं, मुझे लग रहा है इस बार निकल जाएंगे, मुझे लग रहा है। ओके मे भी नहीं निकले, यस ओके, यहाँ पे ट्राइबल चीफ की हेल्थ कम है, लेकिन फिर भी हिलते हिलते उन्होंने एक घुसंट तो मार ही दिया है किंग कॉफी को। ओके यहाँ पे बस अमित भाई और किंग कॉफी जो है ना बार बार ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से अपना कोई विनर है, बट लास्ट में जाते जाते पासा कभी भी चेंज हो सकता है भाई, इस गेम के अंदर कुछ भी हो सकता है। किंग कॉफी वापस से चढ़ने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, मे भी वो चढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे रेंडी ओटन खड़े हो चुके हैं तो शायद से वो रोक ले इनको, या फिर नहीं, ओके इस बार चढ़ चुके हैं वो, और इस बार जरूर से वो बाहर निकल चुके हैं, और इसी के साथ गाइस अपने विनर है सब्सक्राइबर चैंपियन। व्हाट, यू आर नॉट द रियल चैंपियन एंड यू नेवर विल बी अंटिल यू डिफीट मी। ओके भाई यहाँ पे ट्राइबल चीफ को लगता है मिर्जी लग चुकी है, इस कारण से भाई वो बोल रहे हैं कि तू अभी चैंपियन नहीं बना है। ओ कम ऑन यार, मुझे लगा नहीं था इतनी आसानी से चैंपियन बन जाएंगे ये। एंड गाइस इसी के साथ हमें मिल चुके अपने व्हाट किंग कॉफी, एक इंसर्ट सुपरस्टार को मार रहा है तू, तू बहुत बुरा पिलेगा देख लियो अगर अभी अटैक किया मेरे ऊपर तो। भाई साहब किंग कॉफी भाई तेरे सुपरस्टार को छोड़ ही नहीं रहा ये, नया चैंपियन क्या बन गया भाई, इसके तो भाव बढ़ गए यहाँ पे। खैर गाइस अगर आपको ये सब्सक्राइबर टूर्नामेंट की सीरीज पसंद आई हो, और अगर ये गेम प्ले पसंद आया हो, तो जल्दी से जल्दी उस लाइक वाले बटन पर क्लिक कर देना, एंड ऐसे गेम प्ले देखने के लिए इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको जो है ये गेम प्ले कैसा लगा, और ये सब्सक्राइबर्स टूर्नामेंट की सीरीज कैसी लगी। भाई यहाँ पे किंग कॉफी सभी को पहले जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई इतनी पावर कहाँ से लेके आया ये। खैर गाइस आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।